वेलकम एवरीबॉडी इन आवर न्यू ब्लॉग। सो आज हम आ चुके हैं पटना दानापुर, साथ में हमारी मैडम का यूपीएससी एग्जाम है और उसी रीजन से दोनों सवेरे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से दानापुर जंक्शन को आ चुके हैं। फिर थोड़ा डस्टी टाइप दिख रहा है कि हालांकि सोए हुए थे उस रीजन से। तो फाइनली हम अभी उतर चुके हैं और चलते हैं अब सेंटर की तरफ कुछ नाश्ता वगैरह करके। चलिए आगे आपको दिखाते हैं यहाँ का लोकेशन वगैरह। जैसा कि हमारे पीछे से ट्रेन गुजर रहा है जस्ट अभी, हम कुछ ही देर पहले हम भी अभी ट्रेन से उतरे ही हैं। बहुत दूर घूमने के बाद भी कहीं ढंग का बगल में कोई खाने उने का जगह नहीं मिल रहा है। बहुत दूर चलने के बाद अब फिलहाल एक फूड प्लाजा पेट भर खाना का स्टोर दिखा है, चलिए वहाँ चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक खाने का IRCTC से शॉप मिल गया और मैंने IRCTC शॉप से खाना खाया जो कि बिल्कुल ही बेकार था। उससे अच्छा कहीं सड़क पे रोड टाइप वाले में ठेला वाले में खा ले, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो 9:30 बजे से एग्जाम है और अभी अप्रॉक्स हो रहा है 7, 2.5 घंटे हमारे पास हैं तो इधर उधर बैठ नहीं सकते हैं। तो चलते हैं किसी पार्क में, अगल बगल में नियर में पार्क कोई शंकर पार्क दिखा रहा है वहीं चल के देखते हैं। फिलहाल अभी हम दानापुर जंक्शन पे ही है, जंक्शन से थोड़ा अप्रॉक्स 1 किलोमीटर आगे लास्ट पॉइंट पे हैं और ये हमारे पीछे एक ट्रेन आ रही है। गाइज बहुत किल्लत के बाद मैप और लोगों से पूछने के बाद पता चला कि केंद्रीय विद्यालय रेलवे कॉलोनी के अंदर है और अभी हम कॉलोनी के अंदर है। बहुत दूर लगभग ना इधर कोई गाड़ी वगैरह आता है, पैदल चलते रहिए, अप्रॉक्स 400 मीटर पैदल चलना है। तो चल रहे हैं फिलहाल। कुछ देर से हम यहाँ पे पार्क में आके रुके हुए हैं पीछे। जब हम पार्क से निकल के सेंटर की ओर जा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली अब 8:25 हो गया है, 9 बजे से एंट्री है तो एग्जाम भी देना है। फिर दिखाते हैं आगे, आपको देखते रहिए। गाइस हो चुकी है शाम, जल्दी जल्दी में हमने पैसेंजर ट्रेन को पकड़ लिया है और अब कुछ ही देर में लगभग अप्रॉक्स काफ़ी टाइम बाद घर को पहुंचने वाले हैं। तो एग्जाम सब कुछ अच्छे से फिनिश हो गया है, देखी हुई है। सो मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।